देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मॉनसून देश में प्रवेश कर चुका है, वहीं खरीफ फसलों के एमएसपी की घोषणा कर सरकार ने किसानों को संकेत दिया है कि वे कौन सी फसल चाहते हैं। आगामी खरीफ सीजन के लिए भारत का तिलहन उत्पादन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि दुनिया खाद्य तेलों की कम आपूर्ति से त्रस्त है। ये अच्छे मॉनसून में एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर कच्चे सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के आयात के ऐलान के बाद अब खाद्य तेलों के दाम में और कमी होने की संभावना है। अखिल भारतीय खाद्य तेल संघ व्यापारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि खाद्य तेलों की कमी से सरकार भी चिंतित है, क्योंकि इस मामले में हम आयात पर ज़्यादा निर्भर हैं। हम करीब 55% खाद्य तेल दूसरे देशों से मंगवाते हैं, इसलिए अब सरकार तिलहन फसलों के उत्पादन पर फोकस कर रही है। वहीं ठक्कर ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल का आयात भी प्रभावित हुआ है। अभी जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऐसा दौर लंबा चलेगा। शायद एक कारण है कि सरकार ने बिना इंपोर्ट ड्यूटी कच्चे सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के आयात की घोषणा की है, लेकिन उद्योगों का कहना है कि सरकार को दीर्घकालिक लाभ के लिए उसी तरह उपाय करने की जरूरत है। फिलहाल उम्मीद है कि खरीफ सीजन के तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि बाजार में अच्छा दाम मिल रहा है और एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि कर दी गई है। वहीं महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि अगर अक्टूबर में खरीफ फसल की तस्वीर साफ हो जाती है तो फिर आयात शुल्क में दी गई राहत पर नई रणनीति बनानी होगी। अगर अच्छी फसल के बावजूद इंपोर्ट ड्यूटी शून्य रहेगी तो किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, इससे वो आगे बुआई नहीं करेंगे और उसका असर बाद में महंगाई के तौर पर दिख सकता है। वहीं वर्तमान टैरिफ कोटा निर्णय के कारण कच्चे सूरजमुखी और सोयाबीन तेल को अगले 2 वर्ष के लिए शुल्क मुक्त आयात किया जा रहा है। अब अगर वैश्विक बाजार में कीमतों में 3 महीने बाद गिरावट आती है और घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो इसका खामियाजा स्थानीय किसानों और उद्योगों को उठाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आयातित तेल घरेलू प्रसंस्करण लागत से सस्ता हो जाता है तो स्थानीय उद्योग को बंद करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा। सरकार ने हाल ही में स्थानीय स्तर पर तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाया है। सोयाबीन तिल, सूरजमुखी, मूंगफली जैसे उत्पादों के समर्थन मूल्य में 5-9% तक की वृद्धि की गई है, लेकिन इन उत्पादों की मौजूदा कीमतों से पता चलता है कि किसान पहले से ही ओपन मार्केट में नए समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर माल बेच रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसे हालात में समर्थन मूल्य का लालच किसानों को कितना आकर्षित करेगा। वहीं ठक्कर का कहना है कि सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के लिए टैरिफ कोटा का मुद्दा इंडोनेशिया जैसे ताड़ के तेल का निर्यात करने वाले देशों के लिए एक चेतावनी का संकेत है, जो ऐसे देशों को रातों रात ताड़ के तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम उठाने के लिए सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन ऐसे संकेत देने के लिए टैरिफ के हथियार का उपयोग करने के बजाय एक ऐसे विकल्प की तलाश करनी चाहिए जो स्थानीय उद्योगों को नुकसान ना पहुंचाए। इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल पर निर्यात परमिट जारी करने के बाद से वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों के दाम में नरमी आई है। संक्षेप में कहें तो आज का समय परिस्थितियों पर कड़ी नजर रखते हुए उचित निर्णय लेने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। टैक्स से जुड़ी परेशानी।